कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं मुंबई से। सबसे पहले कुमार कुणाल, आपका रुख करते हुए, आतिशी मरलेना साफ तौर पर आरोप लगा रही हैं कि सिर्फ अनाउंसमेंट किया जा रहा है, यानी कि घोषणा तो हो रही है लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक वैक्सीनेशन अभियान जिस तरीके से चलना चाहिए था उस तरीके से डोजेज ही मुहैया नहीं हो रहे। कहां तक इन आरोपों में सच्चाई है? देखिए, जो दावा है दिल्ली सरकार का, वो दावा ये है कि अभी जो बचा हुआ वक्त है जून के महीने के लिए, उसमें खासतौर पर कोवैक्सीन की तो जबरदस्त शॉर्टेज है। एक दिन का सिर्फ बचा हुआ है, यानी आज अगर 22 तारीख है तो 23 तारीख तक के लिए वैक्सीन सिर्फ है कोवैक्सीन। कोविशील्ड की 18 साल से ऊपर उम्र के लिए भी और 45 साल से ऊपर उम्र के लिए भी उनके पास पर्याप्त मात्रा है। जो बात है, जो लड़ाई है, वो है जून के बाद जुलाई के महीने को लेकर के। जो दिल्ली सरकार का दावा है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 15 लाख डोज उन्हें जुलाई के लिए एलोकेट की गई है, दिया गया है, और स्थिति यह है कि इससे ज्यादा अप्रैल के महीने में और मई के महीने में दिल्ली को डोज मिल चुकी है। तो जहां तक बढ़ोतरी की बात है, यानी वॉक इन आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जाकर के बिना रजिस्ट्रेशन आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, ऐसे में ज्यादा जब वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी तो उल्टा दिल्ली सरकार को कम वैक्सीन मिल रहा है। तो ये स्थिति है और इसी पर जो लड़ाई छिड़ी हुई है, जो आतिशी मरलेना ने भी कहा, साथ ही साथ कल मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी बात को रखा कि हमें डोज बढ़ाने की बजाय जो भारत सरकार है वो डोज कम कर रही है और कह रही है कि यूनिवर्सल आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चालू रखें, जो कि मुश्किल होगा। ठीक है, पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आप पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं, ये बताइए कि जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक सुधार हुआ है? बीच में ये स्लो हुआ था, एक तरफ हमने देखा था कि वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद भी करना पड़ा था, लेकिन अब क्या स्थिति है? डिमांड और सप्लाई में कितना गैप है और उद्धव सरकार क्या कह रही है? देखिए, महाराष्ट्र में आज के दिन भी 1,24,000 से ऊपर एक्टिव केसेस हैं। मुंबई की अगर बात करते हैं तो 15,000 से थोड़े ही नीचे केसेस हैं। स्थिति अभी भी उतनी ज्यादा नहीं सुधरी है जितनी बताई जा रही है। इसीलिए कल एक बार फिर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक रिव्यू मीटिंग ली। रिव्यू मीटिंग के बाद अब ये फैसला लिया गया है कि वैक्सीन की जो मात्रा है राज्य के पास वो पर्याप्त संख्या में है। इसीलिए ये फैसला ले लिया गया है कि आज से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन हैं, खासकर की जो यूथ है, उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एक बार फिर से इंक्लूड किया जाएगा। यानी एक महीने के बाद ये प्रोग्राम फिर से रिवाइव किया जा रहा है। 19 तारीख से क्या हुआ था, सिक्वेंशियल वैक्सीनेशन किया जा रहा था 30 साल से 44 साल के उम्र वर्ग के लिए, लेकिन अब रिव्यू मीटिंग में ये चीज सामने आई है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है राज्य के पास, इसलिए आज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम 18 साल से ऊपर के तमाम राज्य में जितने भी गवर्नमेंट सेंटर्स हैं वहां पर चलाया जाएगा। सरकार का कहना है कि वो चाहती कि पुरजोर तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए, क्योंकि जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जुलाई अगस्त या सितंबर में थर्ड वेव आ ही जाएगी, तो दूसरी तरफ डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो खतरा है तो सामने ही आ गया है। राज्य में 21 केस सामने आ गए, मुंबई में खुद 2 हैं, बगल के थाने में और पालघर में 1-1 केस आ गया है। इसको देखते हुए राज्य सरकार चाहती है कि पूरी तरीके से जितना जोर है वो वैक्सीनेशन ड्राइव में लगा दिया जाए। इसीलिए वो तमाम युवाओं से अनुरोध कर रही है कि वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनिए। आज तमाम पूरे राज्य में जितने भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां 18+ जितना भी सिटीजन है उनको वैक्सीन लगाना आज से फिर से शुरू हो जाएगा। हालांकि मुंबई में जैसा कि मैंने कहा 19 तारीख से 30-44 ईयर्स के लिए लगा दिया गया था और बीएमसी ने 2 दिन में ही 24,000 लोगों को वैक्सीन भी लगा दी, लेकिन आज से जो प्रोग्राम एक महीने पहले रोक दिया गया था वो फिर से रिवाइव हो रहा है।